तो एलिबेथ हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज। खुशामदीद बच्चों, एलिबेथ हाई स्कूल और जूनियर कॉलेज की तरफ से आप तमाम का खैर मकदम है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ज़बान उर्दू अव्वल छठी जमात का 16वां सबक। जो देखकर भी नहीं देखते, जो देखते हैं मगर देखकर भी नहीं देखते, समझ में आ रहा है? असल में हम जैसे लोगों के लिए है ये सबक, जो हम देखते हैं, हर चीज़ देखते हैं मगर उसकी गहराई तक नहीं जाते, उसके बारे में जानना नहीं चाहते, उसके बरखिलाफ जो माजूर होते हैं, जिसमें अगर कोई हिस्से की कमी होती है, जैसा कि देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते या और कोई जिस्मानी माजूरी होती है, तो वो लोग ज़्यादा देखते हैं, वो लोग हर चीज़ पर गौर करते हैं। तो इसीलिए उन्हें कहा जाता है कि उनके यहाँ छठी हिस है। तो ये सबक का मकसद यही है कि ऐसे माजूरी में खुद एतमादी पैदा की जाए। खुद एतमादी माजूरी पर कामयाबी हासिल करती है, ये बताना ही इस सबक का अहम मकसद है। इसका अहम मकसद क्या है कि अगर इंसान के अंदर खुद एतमादी पैदा हो जाए, बच्चे को खुद में खुद एतमादी पैदा कर दी जाए, तो वो खुद ब खुद कामयाबी की तरफ गामजन हो जाता है, कामयाबी उसे मिलती ही मिलती। ये सबक भी एक ऐसे ही माजूर लड़की के बारे में है जो हम अब पढ़ेंगे। असल में ये उसकी आप बीती ही समझिए, आप बीती है। कभी कभी मैं अपनी सहेलियों का इम्तिहान लेती हूँ ये जानने के लिए कि वो क्या देखती हैं। हाल ही में मेरी एक सहेली जंगल की सैर के बाद वापस लौटी। मैंने उनसे पूछा, आपने क्या क्या देखा? कुछ ख़ास नहीं, इनका जवाब था। सुनकर मुझे ताज्जुब नहीं हुआ क्योंकि मैं इस तरह के जवाबों की आदी हो चुकी थी। मेरा यकीन है कि जिन लोगों की आँखें होती हैं वो बहुत कम देखते हैं, जिनकी आंखें होती हैं वो बहुत कम देखते हैं, मतलब कि गहराई से नहीं देखते, सरसरी देख लेते हैं। उन्हें उस चीज़ का जो जिसके पास कोई चीज़ अगर नहीं होती है तो उसे उसकी बड़ी कदर होती है, और जिसके पास होती है तो उसे फ़र्क नहीं पड़ता। क्या ये मुमकिन है कि कोई जंगल में घंटा भर घूमे और फिर भी कोई ख़ास चीज़ ना देखे? जैसे कुछ भी दिखाई नहीं देता, वहीं मुझे कई सैकड़ों दिलचस्प चीज़ें मिलती हैं जिन्हें मैं छूकर पहचान लेती हूँ। मैं पेड़ों को की चिकनी और खुरदरी खालों को लम्स के ज़रिए पहचान लेती हूँ। मौसम में बहार में टहनियों पर नई कलियाँ ढूँढती हूँ। मुझे फूल की पंखड़ियों की मखमली सतह को छूने और उनके हल्केदार बनावट महसूस करने में बहुत ज़्यादा खुशी हासिल होती। ये क्या कह रही है? इसकी एक सहेली के पास जब वो जंगल की सैर से वापस हुई तो पूछी, जंगल में तुमने क्या क्या देखा? तो उसने कहा, कोई ख़ास नहीं। तो उसे कुछ ताज्जुब नहीं हुआ, क्योंकि अक्सर लोग ऐसे ही कहते हैं कि हाँ गए थे, घूमे फिरे आए, क्या देखे, कुछ ख़ास चीज़ नहीं। बल्कि ये जो लड़की है वो खुद अंधी है, मगर वो क्या करती है, एक एक चीज़ को, जो भी चीज़ टहनी झाड़ों के पास जाती है तो खुरदुरी खाल, झाड़ की खुरदुरी खाल या मखमली खाल को देखकर पहचान लेती है कि कौन सा दरख्त है। फूल की बनावट को देखकर, महसूस कर कर हाथ से वो पहचान लेती है कि वो कौन सा फूल है। इस दौरान मुझे कुदरत की सनाई का एहसास होता है। जब कभी मैं खुशी व इंसबात के आलम में पेड़ की टहनी पर हाथ रखती हूँ तो चिड़िया की मीठी आवाज़ मेरे कानों में गूंजने लगती है। अपनी उंगलियों के बीच झरने के पानी को बहते और इसे महसूस करते हुए मुझे बे इंतहा मसरत होती है। मुझे चेर की भी फैली पत्तियाँ या घास का मैदान किसी भी महंगे खालीन से ज़्यादा पसंद है। क्या है? मुझे जो घास का मैदान होता है वो किसी महंगे खालीन से ज़्यादा पसंद है, और मैं झरने की आवाज़ महसूस करती हूँ, चिड़ियों की चहचहाट जब महसूस करती हूँ तो बहुत खुशी होती है मुझे अल्लाह ताला की कुदरत पर। बदलते हुए मौसम का समा मेरी ज़िंदगी में नए रंग और खुशियाँ भर जाता है। कभी कभी मेरा दिल इन सब चीज़ों को देखने के लिए मचल उठता है। अगर मुझे इन चीज़ों को सिर्फ छूने से इतनी खुशी मिलती है तो उनकी खूबसूरती को देखकर मेरा दिल बाग बाग हो जाएगा।
लेकिन जिन लोगों की आंखें हैं वो सचमुच बहुत कम देखते हैं। इस दुनिया के अलग अलग खूबसूरत रंग इनके एहसास को नहीं छूते। इंसान अपनी सलाहियतों की कभी भी कदर नहीं करता, वो हमेशा इस चीज़ की आस लगाए रहता है जो इसके पास नहीं है। क्या कह रही हैं कि मुझे तो ये तमाम चीज़ों से बहुत खुशी मिलती है, हालांकि मेरी आंखें नहीं हैं मगर मैं छूकर इनसे खुश होती हूँ। और जिसकी सचमुच दो दो आंखें हैं वो सब कुछ देख सकते हैं मगर वो रंग बिरंगे फूल देख सकते हैं, कहते हैं उन्हें ये चीज़ों का एहसास नहीं है। इंसान अपनी सलाहियतों पर कभी भी कदर नहीं करता अपनी सलाहियतों की, बल्कि वो हमेशा उस चीज़ के पीछे दौड़ता है जो उसके पास नहीं है। ये कितने दुख की बात है कि आँखों की नेमत को लोग एक हकीर सी चीज़ समझते हैं, जबकि इस नेमत के ज़रिए ज़िंदगी की खुशियों को खौस व ख़ज़ा के रंगों की तरह रंगीन बनाया जा सकता। जिनको लोग जिनकी आँखें होती हैं वो लोग आँखों की अहमियत को नहीं जानते, और जिनके पास नहीं होती हैं वही इसकी कदर जानते हैं। क्या आप जानते हैं कि ये खूबसूरत एहसासात किसके हैं? दुनिया की मशहूर अंधी बहरी खातून हेलन केलर के हैं। इनकी बातें ही नहीं बल्कि ज़िंदगी भी हौसला बढ़ाने वाली है। आमतौर पर खुसूसी मवाद के मुस्तहक बच्चे नाउम्मीदी और ज़हनी दबाव का शिकार होकर बेहिस व हरकत ज़िंदगी गुजारने के आदी हो जाते हैं। ऐसे बच्चों में चंद बच्चे आम बच्चों की तरह न सिर्फ ज़िंदगी गुजारते हैं बल्कि इनसे कहीं ज़्यादा बासलाहियत बच्चों के तौर पर शिनाख्त हासिल कर लेते हैं। मालूम हो आप लोगों को या ये सुनने के बाद कि ये इतने अच्छे अच्छे ख्याल किसके हैं? जी हाँ, मशहूर अंधी और बहरी खातून हेलन केलर के। वो ख़ुद अपने आप में एतमादी पैदा करके बहुत बड़ी खातून बनी हैं, बहुत से काम किए हैं और कई जिंदगियों को संवारा है उन्होंने। बाज़ बच्चे जो माजूरी की वजह से एक जगह पड़े रहते हैं, दुनिया की कोई चीज़ में दिलचस्पी नहीं लेते, ऐसे बच्चों को इन्होंने बहुत हिम्मत दिलाई है, बहुत आगे बढ़ाया है और ऐसे बच्चे बाद में बासलाहियत बच्चों के तौर पर उभरे हैं और उन्होंने अपनी शिनाख्त बनाई है। इस तरह शिनाख्त पाने वालों में हेलन केलर पहली सफ में नज़र आती हैं, जिन्होंने अपनी मजबूरियों के अपनी नाकामियों के बावजूद अपनी कमज़ोरियों के बावजूद एक अच्छा सा मुकाम बनाया। उनमें सबसे ऊपर हेलन केलर का नाम आता है। 1880 में अमेरिका में पैदा हुई हेलन केलर पैदाइश ही से दूसरे बच्चों की तरह देख सकती थी, ना सुन सकती थी और बात भी नहीं कर सकती थी। 1880 में अमेरिका में पैदा हुई हेलन केलर पैदाइश ही से दूसरे बच्चों की तरह देख सकती, सुन सकती और बात भी कर सकती थी। पहले वो सुन सकती थी, देख सकती थी और बात कर सकती थी। हेलन केलर अभी बात करना सीख ही रही थी कि एक ख़तरनाक बीमारी का शिकार हो गई। वो छोटी सी थी कि एक ख़तरनाक बीमारी का शिकार हो गई। बीमारी की शिद्दत ने सबसे पहले इसकी बीनाई छीन ली, इसके बाद धीरे धीरे क़ुव्वत समात और गुयाई भी जाती रही। ऐसी बीमारी आ गई थी हेलन केलर को बचपन में कि जिससे उसकी आँखें चली गई, रोशनी चली गई, फिर उसके बाद क़ुव्वत गुयाई चली गई और क़ुव्वत समात भी चली गई। तो वो बिल्कुल तीन चीज़ों से ना देख सकती थी, ना सुन सकती थी, ना बोल सकती, तमाम चीज़ों से वो माजूर हो गई। हेलन केलर दूसरे बच्चों के मुकाबले काफ़ी ज़हीन थी, इंतहाई बासलाहियत। हेलन अपनी लाचारी की वजह छोटे बहन भाइयों को डांटने और मारने लगती। बाद में गलती का एहसास होने पर वो अपने आप को सजा देने लगती। इस हालत को देख कर हेलन के वालिदैन ने इसका दाखिला गूंगे बहरों के स्कूल में करवा दिया। हेलन के स्कूल में दाखिला इनकी ज़िंदगी का एक कामयाब फैसला होगा जिसका इसके वालिदैन को भी तसव्वुर नहीं था। जब वो अपने नाकामियों की वजह से, मजबूरियों की वजह से वो अपने छोटे भाई बहनों को मारने लगती, लड़ने लगती, डांटने लगती, ये देखकर उसके वालिदैन उसे गूंगे बहरों के हॉस्टल में शरीक करा दी स्कूल में। ये स्कूल में जाना ही उसके लिए बेहतरीन कामयाबी का जीना रहा। इस स्कूल में सिलीवन नाम की एक टीचर थी जिनको बच्चों से बहुत ज़्यादा उनसियत थी, लेकिन इन्हें सिर्फ एक ही सवाल सताए जा रहा था कि अंधी बहरी और गूंगी हेलन को तालीम याफ्ता कैसे बनाया जाए। सिलीवन खुद भी एक अंधी बहरी खातून थी, इसलिए वो अंधे गूंगे और बहरे बच्चों के मसाइल और उनके दुखों पर हमदर्दाना गौर करती और इनके मसाइल का हल
को हल करने की कोशिश करती, लेकिन हेलन को किस तरह खानदा बनाया जाए इसे कुछ सुझाई नहीं देता था। हालात कितने ही पेचीदा क्यों न हों, इनका कोई ना कोई हल ज़रूर होता है। हेलन के मसले का एक बेहतरीन हल स्लीवन को इसके खिलौने की शक्ल में नज़र आया, क्योंकि हेलन जो है, स्लीवन भी अंधी और बहरी थी, मगर हेलन किलर जो है वो तो पूरी तरीके से अंधी, बहरी और गूंगी थी। अब उसे किस तरह से समझाया जाए, स्लीवन उसकी जो टीचर थी उसे समझ में नहीं आता था। फिर उसका एक हल, हेलन के पास जो खिलौना था उससे उसका हल निकल आया। हेलन एक पल के लिए भी अपने खिलौने से दूर नहीं रहती थी, वो खिलौना इसकी जान से भी ज़्यादा अजीज़ था। एक दिन स्लीवन इस खिलौने का नाम हेलन के हाथ पर उंगली से लिखती है। क्या हुआ, अक्सर बच्चे करते हैं ना कि कोई उनकी पसंदीदा चीज़ वो हमेशा अपने साथ रखते हैं, क्या कोई टेडी बेयर है या कोई खिलौना है, कोई बच्ची गुड़िया रखती है, कोई बच्चा गाड़ी रखता है, उसे अपने सीने से लगाए रखते हैं। इसी तरह हेलन भी एक खिलौने को अपने दिल से लगाए रखती थी, वो अपनी जान से ज़्यादा चाहती थी। तो एक दिन स्लीवन इस खिलौने का नाम हेलन के हाथ पर उंगली से लिखती है। अब समझ में आया स्लीवन को कि उस खिलौने का नाम हेलन के हाथ पर लिखेंगे तो उसे महसूस होगा ना, तो शायद वो, तो उसका नाम जो भी था खिलौने का उसने उसके हाथ पर लिखा। स्लीवन ने क्या लिखा वाजे तौर पर ना समझने के बावजूद हेलन उंगली के इन इशारों को जान लेती। क्या लिखा उसको तो नहीं मालूम था हेलन को, मगर ऐसा 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 करके लिखे, बल्कि उसने उसके इशारों को जान लिया। इसके बाद स्लीवन हेलन और इसकी पसंदीदा अशिया के नाम हाथ पर लिखती है। हेलन को यह अमल बहुत पसंद आया, इस तरह इंतहाई दिलचस्पी और तेज़ी से हेलन बातें सीखने लगी। अब क्या होने लगा, ना सुन सकती थी, ना बोल सकती थी, ना देख सकती थी, उसे सिर्फ महसूस कर सकती थी वो। तो उसकी टीचर जो है स्लीवन, उसके हाथ पर जो भी चीज़ का नाम लिखना होगा, जो भी चीज़ लिखनी होगी उसके हाथ पर लिखती, तो वो समझने लगी थी। ये बातें हेलन में दुनिया के तय प्यार और हमदर्दी का जज्बा पैदा करने लगी। अब ये बातों से इसे दुनिया में से हमदर्दी कबूल करने लगी वो। स्लीवन हेलन की इस दिलचस्पी को ब्रेल रस्म अल-ख़त की जानिब मोड़कर हर्फ और अल्फाज से मुतारफ करवाने लगी। अब क्या करने लगी, हेलन के को ब्रेल हर्फ की तरफ, रस्म अल-ख़त की तरफ बोले जाने लगी और आहिस्ता आहिस्ता उसके अल्फाज सिखाने लगी। एक दिन अचानक हेलन चंद आवाज़ें निकालती है। इन आवाज़ों को सही तरतीब देने पर आज बहुत गर्मी है के मायने निकलते। हेलन एक दिन अचानक ज़बान से मुँह से कुछ आवाज़ें निकालने लगी, तो वो अगर आवाज़ों को जमा किया जाए तो ऐसा ये बनता था कि आज बहुत गर्मी है के मायने निकलते थे। इस वाक़े को हेलन अपनी ज़िंदगी में ना भूलने वाली इंतहाई खुशगवार वाक़े के तौर पर बयान करती है। हुरूफ़ तहजी सीख कर मुताला शुरू करने वाली हेलन के लिए किताबें ही इसकी दुनिया बन गईं। अब वो उसी तरह महसूस करते हुए अल्फाज सीखने लगी थी, उसके बाद हुरूफ़ सीखने के बाद अल्फाज, अब वो उसकी दुनिया ही किताबें हो गई, पढ़ना लिखना ही उसका काम हो गया। स्लीवन की हौसला अफजाई की वजह से हेलन ने कैम्ब्रिज स्कूल में दाखिला ले लिया और स्कूली तालीम से लेकर कॉलेज की तालीम तक हेलन हमेशा अव्वल मुकाम हासिल करती रही। क्या हुआ, उसने स्लीवन, उसकी जो टीचर थी उसकी हौसला अफजाई से स्कूल में दाखिला ले लिया और हर जमात में वो अव्वल आने लगी। फिर स्कूल से कॉलेज की तालीम तक इसने हमेशा अव्वल मुकाम हासिल किया। 1904 में हेलन ने बीए की तकमील की और बेरिल रस्म अल-ख़त में मेरी आप बीती के नाम से एक किताब तहरीर की। 1904 में हेलन ने बीए की तकमील की, बीए पास किया और बेरिल रस्म अल-ख़त में, बेरिल ज़बान में उसने अपनी आप बीती, मेरी आप बीती के नाम से एक किताब तहरीर की, जिसमें अपनी ज़िंदगी की खसूसियात बयान की। इसके बाद कई एक तसानीफ इनके ज़ोर क़लम से शाये होती रहीं। इनकी आप बीती का दुनिया की तकरीबन ज़बानों में तर्जुमा किया गया। उन्होंने एक बीए पास करने के बाद उन्होंने एक आप बीती लिखी है अपनी। इसके बाद कई और किताबें तसानीफ इनके ज़ोर क़लम से शाये हुए। उन्होंने कई किताबें लिखी,
इनकी आप बीती का दुनिया की तकरीबन हर जबान में तर्जमा हुआ है, चूँकि वो पढ़कर लोग जो मज़ूर हैं उन्हें हौसला मिले, हिम्मत मिले। हेलन का दिल हमदर्दी का सरचश्मा था। दुखी लोगों को देखते ही हेलन का दिल पिघल जाता। खुसूसी मराद के मुस्तहक जिंदगियों में रोशनी फैलाने के लिए खुद की ज़िंदगी का वक्फ करने वाली शख्सियत हेलन केलर की है। वो खुद भी, उनका दिल बहुत हमदर्द था, हमदर्दी से भरा हुआ था। वो दुखे दिलों को देखते ही उनका दिल पिघल जाता था। और खुसूसी मराद मतलब कि जो बच्चे माजूर होते हैं, वैसे बच्चों को, वैसे लोगों की ज़िंदगियों के लिए एक रोशनी बनकर सामने आई। वो खुद माजूर होने के बावजूद अपनी ज़िंदगी को उन लोगों के लिए वक्फ कर दिया। सारी दुनिया का सफ़र करके खुसूसी मवाद के मुस्तहक बच्चों से मिलकर हेलन ने इनमें खुद एतमादी पैदा की। दुनिया में कई मकामात पर उन्होंने सैर की और जाके वहाँ पर जो खुसूसी मराद के स्कूल होते थे और वैसे बच्चे होते थे, खुसूसी मराद के लिए उन लोगों से मिलती और उनकी खुद एतमादी बढ़ाती। उनके मिलने से, उनके अपने तजुर्बे से वो लोगों में हिम्मत आती कि हम भी कुछ कर सकते हैं। इस सिलसिले में वो इंग्लैंड, अमेरिका और अफ्रीका जैसे मुल्कों का दौरा करते हुए हिंदुस्तान भी आई थी। वो अमेरिका, अफ्रीका, इंग्लैंड वगैरह वो ममालिक में भी गई थी और फिर हिंदुस्तान भी आई थी। हेलन केलर की ज़िंदगी और अदब सबके लिए मशाल राह है। क्या है ये? उनकी ज़िंदगी सबके लिए मशाल राह है। देखिए, एक माजूर तीन तीन चीज़ों से ना देख सकती थी, ना सुन सकती थी, ना बोल सकती थी, ऐसी माजूर औरत ने कितने अपनी मेहनत लगन से कितना नाम कमाया और कितने लोगों की ज़िंदगियाँ संवारी। तो अल्लाह ताला ने जिन्हें आँख ना आँख, कान, जबान सब दी है, तो वो लोग तो अपने से जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं लोगों के लिए, अपनी ज़िंदगियों को वक्फ कर सकते हैं, या उसमें से कुछ वक्त तो लोगों की भलाई के लिए निकाल सकते हैं। यही इस सबक का मकसद है कि इंसान को कुछ ऐसे काम करना है जो हमेशा हमेशा याद रहें, और लोगों की भलाई के लिए जो काम, इंसानियत की भलाई के लिए जो काम हो सके वो करने की कोशिश करें। ये असल ये कहानी तर्जुमा की हुई है, तर्जुमा करने वाले हैं मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन शाह। यहीं पर सबक ख़त्म होता है। शुक्रिया।